हेलो हाय नमस्कार, मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहेते डायरेक्ट डायल इन शो में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। न रातों को नींदे न दिन में करार, इनसोम्निया भी क्या चीज होती है यार? आखिर इनसोम्निया यानी नींद न आना, ये क्या है, क्या है इसके कारण और क्या उपचार मौजूद है इसके लिए आयुर्वेद में? ऐसे ही कुछ बातों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित होंगे विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान भारत के एक जाने माने आयुर्वेदाचार्य हैं। आपने आयुर्वेद का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है और वो थ्योरीज, वो आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स को चलन में लाए हैं जो कहीं विलुप्त होते जा रहे थे। आप क्लासिकल आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं और पूरे विश्व में आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली को प्रचारित कर रहे हैं और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। आपने अपनी संस्था जीवा आयुर्वेद के जरिए हर व्यक्ति से जुड़ने का अभियान शुरू किया है। आपका उद्देश्य है घर घर आयुर्वेद, जन जन आयुर्वेद। तो आइए सब मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान का। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। शुक्रिया, थैंक यू। और आज का विषय ऐसा है इनसोम्निया यानी नींद ना आना, क्या ये एक बीमारी है, क्या ये एक कंडीशन है, क्या ये एक डिजीज है? ऐसे ही कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा नंबर जी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या के लिए आयुर्वेदिक निदान पाना चाहते हैं, कॉल कीजिए इन नंबर्स पर फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। तो डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑन की इनसोम्निया, क्या इसका आयुर्वेद में भी कुछ वर्णन किया गया है? डेफिनेटली, देखिए जो स्लीप है ना, निद्रा बोलते हैं इसको जी। जैसे हमारे बॉडी के तीन पिलर्स कहे गए हैं, ये पूरे मानव के जो है, जो हमारा पूरा सिस्टम, इसमें तीन मेन चीजें हैं जी, बॉडी, माइंड और सोल, इनको कहते हैं तीन पिलर्स। तो इनके तीन सपोर्टिंग पिलर्स हैं, हमारे यहाँ आयुर्वेद में उसको कहा गया उपस्तंभ जी। तीन सपोर्टिंग पिलर्स, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो ये जो निद्रा है, स्लीप, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्पेशली इसको कहते हैं स्लीप इज़ द डाइट ऑफ योर माइंड, यानी कि जैसे हम शरीर को भोजन खिलाते हैं और भोजन शरीर को शक्ति देता है, ऐसे ही माइंड को, अगर आपको शक्ति देनी है, माइंड को स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर स्लीप की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं जी। और स्लीप से क्या क्या होता है? स्लीप से हमारी मेमोरी कनेक्टेड है, अगर हमारी नींद अच्छी रहेगी तो मेमोरी अच्छी रहेगी। स्लीप से हमारा मेटाबॉलिज्म भी कनेक्टेड है, स्लीप अगर अच्छी रहेगी तो मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया रहेगा, और स्लीप से हमारा मूड भी कनेक्टेड है। आपने देखा होगा अगर नींद अच्छी ना आए तो अगले दिन चिड़चिड़ापन होता है, और स्लीप से हमारी कार्डियोवैस्कुलर, यानी कि हमारा जो हार्ट है, हृदय, उसका स्वास्थ्य भी नींद से जुड़ा हुआ है, और स्लीप से हमारी इम्यूनिटी, जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, वो भी नींद से जुड़ी हुई है। अगर नींद हमें नहीं आएगी अच्छी, तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी और बार बार आपको अनेक प्रकार के रोग आएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और प्रॉपर शब्द मैंने प्रयोग किया था कि प्रॉपर स्लीप का क्या मतलब होता है, टाइम है उसका, एक एक पर्टिकुलर टाइम पर सोना, पर्टिकुलर टाइम पर उठना। ऐसा नहीं कि आप दिन में सोएं और रात को जागें, वो इम्प्रॉपर स्लीप है, बिकॉज द बॉडी इज डिजाइंड, उसका जो क्लॉक है, उसका बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी का एक समय होता है जब उसको रेस्ट चाहिए, माइंड को रेस्ट चाहिए, गहरी नींद, और वो भी गहरी नींद चाहिए। कुछ लोगों को नींद आती है लेकिन गहरी नींद नहीं आती है, तो उसको हम हेल्दी नहीं समझते जी। तो ये तो मैंने नींद के बारे में बताया, लेकिन इसके क्या क्या कारण हैं, क्यों इंसोम्निया हो जाता है, या क्या क्या बीमारियाँ इससे पैदा हो सकती हैं, और किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं, इस पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं जी। और फिलहाल एक कॉलर लेने का वक्त आ गया है। हेलो। हेलो, नमस्ते जी, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। आपका शुभ नाम? रमा पंडारी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? पंजाब से। हाँ जी, बताइए क्या समस्या जी। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर जी, बताइए। हाँ जी डॉक्टर, मैंने आपकी मेडिसिन मंगा ली, एक महीना हो गया। अच्छा, आ रही है। कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, एक महीना अगर हो गया मेडिसिन लेते हुए तो मुझे बस चेंज नहीं आया कोई भी। नहीं नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम्स क्या है वो बताइए पहले। प्रॉब्लम 92 में मेरा पीछे का ऑपरेशन हुआ था। ओके। पिता निकाला गया था जी, के बाद मुझे गैस की प्रॉब्लम होने लगी। अच्छा, उस
उसके बाद सिर में ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, पेट में कम और सिर में ज्यादा। अच्छा, अब तो पहले पहले तो जो सिर में होती थी दर्द ना उल्टी आ जाती थी। अच्छा, अब नहीं आती, अब दो बार हुई खून आई है, पीली उल्टी आती है, माइग्रेन भी है मुझे। अच्छा, सिर में एक साइड में, कभी तो सारे सिर में दर्द होती है, कभी एक साइड में, कभी आंख आंख में, एक आंख में, कभी आंख के ऊपर कुछ चलता है, कभी एक आंख में, कभी दूसरी में। चाय पीते हैं आप? चाय नहीं, चाय नहीं मैं पीती तक। कब से छोड़ी है चाय? चाय तो काफी देर की छोड़ी हुई है। अच्छा, और कोई पित्त वाली चीजें खाते हैं? कुछ मिर्ची अचार चटनी वगैरह, लाल मिर्ची खाते तो आप तो जब ज्यादा प्रॉब्लम होगी आप नहीं खाती कुछ भी। अच्छा, देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने जो चीजें बताई है ना, एक तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपकी जो प्रॉब्लम है 92 में तो आपका ऑपरेशन हो चुका था, इसका मतलब प्रॉब्लम उससे पहले चालू हुई, कुछ ना कुछ तो पहले प्रॉब्लम रही होगी जिसको आपने ध्यान नहीं दिया, गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, ये आपने ध्यान नहीं दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपकी प्रॉब्लम जो है 20-25 साल पुरानी, उससे भी ज्यादा पुरानी है। तो आपको अगर आराम चाहिए तो कम से कम 20-25 महीने तो दवाई खाओ, और आप जो है अभी एक महीने से इलाज शुरू किया, तो मैं आपको केवल यही मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा इत्मीनान से दवाई खाइए, और जो जो आपको बताया गया है डाइट के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको फॉलो करिए, मैं आपको बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि आपको डेफिनेटली आराम आएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थोड़ा सा सब्र का पुल बांध कर रखिए, क्योंकि 25 साल पुरानी बीमारी 25 दिन में ठीक नहीं हो सकती है ना। थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी किसी समस्या के लिए आयुर्वेदिक उपचार पाना चाहते हैं, नोट कर लीजिए हमारा सेहत का नंबर। सेहत का नंबर है 01294040404। अगर आप चाहते हैं अपने किसी भी हेल्थ इशू पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पर्सनल अटेंशन, तो जुड़िए जीवा आयुर्वेद से, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम आपकी समस्या को व्यक्तिगत रूप से सुनेंगे और निदान के उपाय बताएंगे। डायल कीजिए अपनी सेहत का नंबर 01294040404। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं इंसोम्निया के विषय पर जी, और इसके क्या क्या कारण होते हैं आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए। सी यू बैक ऑन द जीवा हेल्थ शो।